करनाल के घरोंडा के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय में नेत्र जांच शिविर लगाया गया, जहां 108 महिला पुरुषों ने अपनी आंखों की जांच करवाई। शिविर में 80 लोगों को चश्मे दिए गए। शिविर में 28 लोगों को मोतियाबिंद का मरीज पाया गया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिवस पर विधायक हरविंदर कल्याण के दिशा निर्देशों पर क्षेत्र में सेवा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय में नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 108 महिला पुरुषों ने आंखों की जांच करवाई। बीडीपीओ कार्यालय में आयोजित नेत्र जांच शिविर में डॉक्टर रवि व डॉक्टर सुनील भारद्वाज ने लोगों की आंखों का चेकअप किया। कैंप में लगभग 108 महिला पुरुषों के आंखों का चेकअप किया गया, जिसमें 80 लोगों को चश्मे वितरित किए गए। लगभग 28 लोगों को मोतियाबिंद पाया गया है, जिनका ऑपरेशन करवाया जाएगा। विधायक हरविंदर कल्याण के कार्यालय की ओर से आए संदेश में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर 7 दिवसीय सेवा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग सामाजिक कार्य किए जाएंगे। विधायक कल्याण ने संदेश में कहा कि बदलते मौसम में बीमारियों से बचने के लिए डॉक्टरों की सलाह के अनुसार ही खाना पीना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना का संकट काल चल रहा है, इसीलिए इससे बचाव के लिए 2 गज की दूरी, साबुन से बार बार हाथ धोएं तथा मास्क जरूर पहने। बता दें कि विधायक हरविंदर कल्याण व उनकी धर्मपत्नी रेशमा कल्याण को कोरोना संक्रमण है, इसीलिए विधायक कल्याण कार्यक्रमों में शिरकत नहीं दे रहे हैं। वे केवल संदेश के माध्यम से लोगों से रूबरू हो रहे हैं। घरोंडा से विवेक राणा की रिपोर्ट। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 70वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये नेत्र चेकअप कैंप जो यहाँ पर घरोंडा में लगाया हुआ है, ये हरविंदर जी कल्याण के प्रयासों द्वारा संपन्न हुआ है। यहाँ पर टोटल पेशेंट 105 हैं, जिनको 80 लोगों को दूर का और कुछ लोगों को नज़दीक का चश्मा लगेगा। 20 लोग ऐसे हैं जिनका सफ़ेद मोती का ऑपरेशन होगा। हम डॉक्टर बी के ठाकुर हॉस्पिटल से आए हुए हैं। ये सेवाएं बिल्कुल फ्री हैं, सोमवार तक चश्मे दे दी जाएंगे। हमारी पार्टी की तरफ से 14 तारीख से और 20 तारीख तक एक सेव भाव सप्ताह के रूप में हम इसको मना रहे हैं, और यहाँ पर हमने कल भी मोदी जी को हाँ और पॉलीथीन को ना एक अभियान चलाया था। उस अभियान के तहत हमने घर घर हर बूथों पर हर शहर के अंदर हमने थैले वितरण किए हुए हैं, और आज फिर विधायक जी की मतलब कार्यशैली के अनुसार और हमारी पार्टी की कार्यशैली के अनुसार एक सेवा भाव से हमने ये कैंप डॉक्टर साहब को कह करके लगवाया, और यहाँ पर ये कैंप लगाया गया, और यहाँ पर हमारे पूरी विधानसभा के अंदर चश्मे जो है निःशुल्क वितरण किए जाएंगे, और कुछ 105 के करीब यहाँ पर आज मतलब आए हुए थे लोग जिन्होंने अपनी आंखों का चेकअप करवाया। तो ये योजनाएं हमें जन जन तक पहुंचाने के लिए मतलब इस कैंप को लगाया है, और ताकि किसी गरीब आदमी को इससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उसके निःशुल्क चश्मे उन तक पहुंच सके। तो इस सेवा भाव के अनुसार हमने इस कैंप को आज लगाया। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कल जो जन्मदिन था उसके उपलक्ष्य में अपने विधायक माननीय श्री हरविंदर कल्याण जी के सहयोग से, उनकी प्रेरणा से सेवा के कार्य शुरू करवाए गए हैं। कल पॉलीथीन के बारे में थैले वितरण किए गए, जिसमें संदेश दिया गया कि मोदी को हाँ और पॉलीथीन को ना। वो एक प्रेरणा स्वरूप जो है लोगों में चेतना के लिए थैले बांटे गए। आज बीडीओ ऑफिस ग्रौंडा में निःशुल्क आग चेकअप कैंप लगाया गया, जिसमें लगभग 100 से ऊपर आंखों लोगों के आंखों को चेक किया गया, जिसमें 80 लोगों को, जैसा डॉक्टर भारद्वाज ने बताया कि उनको नज़दीक या दूर की कमी है देखने में, उनको सोमवार को या सोमवार अगले हफ्ते में उनको चश्मियों का निःशुल्क वितरण कर दिया जाएगा। बाकी 20 लोग ऐसे हैं जिनको ऑपरेशन की आवश्यकता है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.